बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां मानो पैर फंसा लिया हो। तीन दिन में तीन अलग अलग जगह पर आतंकी हमले हुए, ऐसे में देश में चर्चा ज्यादा होने लगी कि आखिर किस तरीके से आतंकी लगातार कायराना हरकत कर रहे हैं। आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं जम्मू में कहां कहां और कब कब हमले हुए। पहला हमला 9 जून को वीआईसी में हुआ, जहां तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें 10 लोगों की मौत और 33 लोग जख्मी हो गए। दूसरा हमला 11 जून को हुआ, मंगलवार रात करीब 8 बजे कठुआ जिले के हीरानगर में सैदा सुखल गांव में आतंकी हमला हुआ। हमले में सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीर दास जख्मी हो गए थे, जिनकी आज सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं तीसरा हमला आज यानी 12 जून को हुआ, आज डोडा के चत्तरगला में 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर यह हमला हुआ। हमले में 5 जवान और 1 एसपीओ जख्मी हुए। तीन दिन तीन हमले, 9 जून वीआईसी में हमला, 11 जून को कठुआ में और 12 जून को डोडा चेक पोस्ट पर हमला हुआ। शामली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लैपटॉप का तांडव देखने को मिला, ट्रांसफार्मर धो धोकर चल उठा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की शामली से।